अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सी एंड क्राफ्ट विद दीहा में। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम दामन का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये दो कलर का कपड़ा लिया है, ये ब्लू और डार्क पिंक कलर, ये शॉकिंग कलर है। हमने इस तरह के टू पीसेस के साथ हमने डिज़ाइनिंग करनी है। इनसे हम बनाएंगे फ्लावर। इसको हम स्क्वायर शेप में काटेंगे। हमने जो स्क्वायर शेप लेनी है वो हम 2 इंच लेंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने 2-2 इंच लेनी है। इधर से लंबाई और चौड़ाई को नापते हुए हमने इस तरह से काट लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम इससे काट लेंगे। इस तरह हमने इस कपड़े से काफ़ी सारी स्क्वायर काटेंगे और फिर इस कपड़े को इसके ऊपर इस तरह रखेंगे के बराबर, और इसकी भी हम स्क्वायर इस तरह काट लेंगे इस तरह। इस तरह हमने स्क्वायर काट लेनी है और इसे इसके ऊपर इस तरह उल्टा रखते हुए हमने इस तरह इसको स्टिच करना है। इसकी दो साइड खुली रखनी है, दो साइड पे हमने स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह इसके ऊपर हम इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे और दामन पे जो डिज़ाइन बनाना है उसके लिए हम इस तरह की काफ़ी सारी स्क्वायर काट के इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। पहले इसकी स्टिचिंग करते हैं। इन स्क्वायर को मैंने इस तरह स्टिच कर लिया और इनकी एक साइड मैंने इस तरह दोनों साइड ऊपर रखी है। इसके कोने का हमने थोड़ा सा इस तरह कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने इसे सीधा कर लेना है। किसी भी दोंगदार चीज़ से इसका कोना निकाल लें इस तरह। दूसरा भी इसी तरह कर लेंगे। करने के बाद हम इसे इस तरह इसका कॉर्नर निकाल लेंगे बाहर और इसे हम इस तरह सीधा कर लेंगे। और बाकी की भी मैंने इस तरह ये स्क्वायर काट के इन्हें सीधा कर लिया इस तरह। अब इन्हें क्या करेंगे, इस तरह हम प्रेस कर लेंगे। सबको प्रेस करने के बाद एक कोने को इस तरह फोल्ड करेंगे और दूसरे को इस तरह फोल्ड करते हुए हमने सारे स्क्वायर की शेप देनी है और दामन भी हमने इसका डिज़ाइन बनाना है। अब सबको मैं इस तरह प्रेस करूँगी। इन सबको मैंने शेप दे दी है, ये देखें इस शेप में लेके आने हैं। जब कमीज़ पर लगेंगे दामन पर तो इस तरह फ्लावर की तरह लगेंगे। इस तरह इसकी शेप आएगी। दोनों साइड से स्क्वायर को इस तरह पकड़ के इस तरह कोने को इधर और इसको इसके ऊपर और इसके बराबर होना चाहिए। इस तरह हमने प्रेस कर लेना है और जब स्टिच करेंगे तो इतना हमने काट देना है और ये स्टिचिंग में आएगा। इस तरह सारे स्क्वायर को इस तरह शेप दे दी है लंबाई में। अब हम शर्ट का दामन लेंगे। इसके दामन को इस तरह फैला के सबसे पहले हम इसके साइड पे सारे लेस स्ट्रेच करेंगे, यहाँ पे चाक पे भी, इसके दामन पे, इस तरह तीनों साइड पे हमने इस लेस को अटैच करना है। अटैच करने के बाद हम फिर ये जो स्क्वायर बनाई है इन्हें हम इस तरह इसके नीचे जो फ्लावर हैं एक एक फ्लावर को छोड़ते हुए इस फ्लावर के साथ हमने इसे अटैच करना है। इस तरह ये फ्लावर के बिल्कुल इस तरह आए। हमने 2 फ्लावर को छोड़ा और फिर इस फ्लावर को इसके ऊपर लेके आना है। इस शेप में हमने इस तरह सारे फ्लावर अटैच करने हैं इसके फ्रंट और बैक पे। सबसे पहले हम इसकी जो लेस है वो कमीज़ की सारी साइड पे हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग के लिए हमने कमीज़ को इस तरह खोलना है इस तरह रख के, इस तरह खोलते हुए जो लैस की सीधी साइड है वो देख लेनी है किस साइड को है। तो लैस को इस तरह उल्टा रखते हुए हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे। जब इसकी स्टिचिंग होगी तो ये सीधी साइड में इस तरह आ जाएगी। इस तरह इसके ऊपर हम इस तरह स्टिच करेंगे तीनों साइड पे और बाकी का स्टेप है मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसके लैस अटैच करके मैंने इसे प्रेस करके इसकी फोल्डिंग कर दी है
इस तरह ये वाली लैस इस तरह आई है। और मैंने ये जो स्केयर काटे थे इनको इस तरह फोल्ड करके सबको मैंने इस तरह रखा हुआ है, ठीक है। इनको इतने फासले पर रख के हमने इसके साथ इस तरह इसे स्टिच कर लेना, सबका इतना इतना फासला छोड़ते हुए हमने इसके साथ इस तरह स्टिच कर लेना। और अगला स्टेप है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। दामन के फ्रंट और बैक पे इस तरह मैंने ये सारी शेप लगा दी इस तरह, इसके बैक साइड पे भी इस तरह लगाई शेप्स, और फ्रंट और बैक दोनों पे इस तरह शेप्स आ गई हैं। अब हम इसके साथ एक्स्ट्रा अलहदा से कपड़ा लगाएंगे, जिस तरह ये लैस अटैच की है इसी तरह हम ये पट्टियाँ काटी हुई हैं वो लगाएंगे। इसे इस तरह फोल्ड कर लेना, इस तरह फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर रख के लैस के ऊपर इस तरह रखते हुए इसके ऊपर सारे स्टिचिंग कर लेनी है। और इसकी तरपाई करके फिर इसकी मैं फिनिशिंग दिखाऊंगी, फाइनल लुक दिखाऊंगी। शर्ट की फाइनल लुक रेडी है, देखिए इतनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ये इसकी फ्रंट साइड है, ये देखिए इसकी नीचे वाली साइड पे इसको तरपाई कर ली है, फ्रंट और बैक है। इसकी साइड पे देखें इस तरह ये लैस अटैच कर दी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अल्लाह हाफिज़।